हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर वेल। जैसे कि आप सभी बीते थे प्रीवियस लेक्चर में, डिस्कस किया आपके साथ प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। इस लेक्चर में हम हाइड्रोस्टेटिक फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक तरह से क्विक रिविजन है। जो भी जैसे हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, यहाँ मैं ना तो कोई डेरिवेशन करूंगा, ना यहाँ पे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे जिक्र करूंगा, जो जहाँ पे कि अक्सर स्टूडेंट गलतियां करते हैं। यहाँ मैं डेरिवेशन नहीं बताऊंगा। अगर डेरिवेशन बताने लग गया तो 3-4 घंटे का लेक्चर बनेगा। इसको मैं 30 या 35 मिनट में यहाँ पे खत्म करूंगा। बस आपने ध्यान देना है, अगर आपने ये लेक्चर देख लिया तो इस पे अगर हाइड्रोस्टेटिक फोर्स से क्वेश्चन आएगा आप गलतियां नहीं करोगे। तो उससे पहले मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो भी लेक्चर मैं यहाँ पे अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज पढ़ेंगे हम हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस। हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस, हाइड्रो स्टैटिक फोर्सेस, हाइड्रो स्टैटिक फोर्सेस। ओके, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि हाइड्रो मतलब वाटर, मतलब कोई लिक्विड है, स्टैटिक मतलब स्थिर अवस्था में। अगर कोई भी लिक्विड स्टैटिक स्टेट में है तो उसके द्वारा किसी भी सरफेस से जो फोर्स एग्जर्टेड किया जाता है उसको बोलते हैं हाइड्रो स्टैटिक फोर्स। क्या बताया मैंने? मैंने बताया अगर कोई भी लिक्विड, वो वाटर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मतलब कोई सा लिक्विड हो सकता है, अगर वो स्टैटिक स्टेट में, मतलब स्थिर अवस्था में है, तो उसके द्वारा जो सरफेस पे फोर्स एग्जर्ट किया जाता है उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो सरफेस हो सकते हैं हमारे पास, एक तो हो सकता है प्लेन सरफेस, क्या प्लेन सरफेस, और दूसरा हो सकता है कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस। ठीक है, प्लेन सरफेस जैसे आपका रेक्टेंगल हो गया, ट्रेंगल हो गया, सर्कुलर हो गया, ये है प्लेन सरफेस। ठीक है, प्लेन सरफेस कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है और ट्रेंगुलर हो सकता है। ये बात आपको, कर्व सरफेस भी कुछ भी हो सकती है, इसकी शेप ये मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। बस इसमें केवल क्विक रिविजन है, ना कि डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। जैसे कि इसको अगर मैं डिस्कस करने जाऊं, अब आप बताओ एक्सप्रेशन आपको तो पता है कि एक तो प्लेन सरफेस कुछ भी हो सकता है, कौन कौन सा सरफेस हो सकता है, आप हो सकते हैं और एक क्या पता हॉरिजेंटल हो सरफेस, क्या पता वर्टिकल हो, क्या पता इंक्लाइंड हो। तो सबसे पहले मैं प्लेन सरफेस के बारे में जिक्र करता हूँ आपके साथ। प्लेन सरफेस क्या? प्लेन सरफेस, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्लेन सरफेस क्या होता है? ठीक है, प्लेन सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है, ठीक है, वो हो सकता है क्या, रेक्टेंगल भी, ट्रेंगुलर भी और सर्कुलर भी, कोई भी एक। में आपको समझाने के लिए शेप ले लेता हूं, जैसे कि हमें पास सर ये हमने ले लिया आपके साथ, क्या रेक्टेंगुलर, ये एक तरह से माना कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है या कोई सरफेस मान लो, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर सरफेस है और ये इमेज इमोइड है लिक्विड में, ये लिक्विड में इस तरह से इमोइड है। ये क्या है आप, इसका मतलब क्या होता है? ये होता है फ्री सरफेस। फ्री सरफेस का मतलब जो कि एटमोस्फेयर के कॉन्टेक्ट में हो, ये हम उल्टे ट्रेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं फ्री सरफेस को। अब देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से एक्सटेंड करूं, तो आप बताएंगे ये थीटा है, ठीक है, जो भी यहां पे मैंने सरफेस लिया है वो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड। मैंने अब प्लेन सरफेस लिया और वो कौन सा लिया, इंक्लाइंड, कैसा लिया मैंने, इंक्लाइंड, कौन सा इंक्लाइंड, आप बताएंगे इंक्लाइंड सरफेस ही आपने क्यों लिया। ठीक है, इंक्लाइंड इसलिए लिया, जब मैं इंक्लाइंड के बारे में आपको मतलब सारी चीज बता दूंगा, यानी कि डिस्कस कर दूंगा आप साथ, तो इन सभी के लिए एक तो होगा आप इंक्लाइंड सरफेस, दूसरा होगा वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल सरफेस के बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। माना कि थीटा, अब थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, अब मैंने मान लिया कि जो ये जो हमारे पास सरफेस है वो H1 डेप्थ क्या है, नीचे है, कहां से, फ्री सरफेस से। तो जब H1 डेप्थ नीचे है, इसका कोई अपना सेंट्रोइड होगा, आप बताएंगे बिल्कुल होगा, सेंट्रोइड होगा इसका, किसका, इस प्लेट का, प्लेट मानो या रेक्टेंगल, और आपको पता है कि कैसी है ये, रेक्टेंगुलर। अब आप, मैं चाहता हूं कि इसका सेंट्रोइड निकालना कहां से, सेंट्रोइड निकालना चाहूं कहां से, फ्री सरफेस से। तो फ्री सरफेस आप बताएंगे जो इसका सेंट्रोइड होगा वो, इसको मैं H बार से रिप्रेजेंट करता हूं, बिल्कुल रिप्रेजेंट करता हूं, आप बताएंगे कि H बार से रिप्रेजेंट करता हूं, तो यानी कि तो ये तो हो गया आपके पास, क्या यहां से आता क्या हुआ H1, लेकिन इसके बाद मुझे पता नहीं है कितना होगा। ये मैं थीटा मान लू, जब यहाँ पे थीटा है तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये क्या बना था, थीटा, तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, अब माना कि इसकी लेंथ क्या है, L है, बिल्कुल है L है। अब आपको पता है कि ये L/2 होगी, ठीक है, अगर ये इसकी विड्थ है, यहाँ पे विड्थ B ले लिए और इसकी लेंथ डेप्थ ले ली L ले ली मैंने, तो इस केस में आप बताओ ये कितना होगा L/2,
अब जब ये एल बाई टू होता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, या बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस अगर मैं इसको निकालने जाऊं तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस यानी कि इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, एल बाई टू साइन थीटा, बिल्कुल सही बात है। कौन सा आया ये आया इतना एल बाई टू साइन थीटा। अब अगर मैं बताऊं कि अगर एच बार बताऊं मैं कितना आएगा, सेंट्रॉइड किसका, इस सरफेस का सेंट्रॉइड फ्रॉम द फ्री सरफेस। हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो भी सेंट्रॉइड आप ले लोगे, जो भी सेंट्रॉइड आप लोगे वो हमेशा फ्री सरफेस से लेना, हमेशा फ्री सरफेस से लेना। तो कितना आएगा आप बताएंगे, एच बार ये टोटल है, ये एच बार यहाँ से यहाँ तक ये एच बार है टोटल, ठीक है। ये था हमारे पास कितना, यहाँ से यहाँ तक था एच वन था, और टोटल हो गया यहाँ से यहाँ तक का एच बार। तो एच बार इक्वल टू कितना हुआ, एच वन प्लस कितना, एल बाई टू साइन थीटा। तो ये हो गया। कभी भी अगर क्वेश्चन में आपको इंक्लाइंड सरफेस दे दिया तो आपका एच बार आ गया इस तरह से निकलेगा, एच वन प्लस था एल बाई टू साइन थीटा, एल बाई टू साइन थीटा। अब अगर माना कि 90 डिग्री पे होता तो क्या आ जाता, तो आप बताते कुछ नहीं करना, अगर 90 डिग्री पे होता तो 90 डिग्री पे अगर हॉरिजेंटल भी होता है, एक बात है हॉरिजेंटल होता तो थीटा इक्वल टू क्या होता, 0 डिग्री। अगर मैं सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करूं, सेंटर प्रेशर हमेशा क्या होता है कि सेंटर प्रेशर हमेशा क्या होता है कि सेंट्रोइड से नीचे ही होता है, ठीक है। सेंट्रोइड से मानक सेंटर प्रेशर यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करता हूं मैं एचसीपी, ठीक है। वो होगा किससे, बिलो किससे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्यों नीचे होता है आपने पढ़ा होगा, वो मैं बोयलसी में बताता हूँ, बता दूंगा कि क्यों नीचे होता है, स्टेबिलिटी की, बस अभी याद रखो कि मतलब स्टेबिलिटी के लिए है ये, क्या होता है इससे नीचे होता है। अब आपको पता चल जाएगा अगर इसका एक्सप्रेशन, सेंटर ऑफ प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या होता है, हमारे पास होता है एच बार प्लस आई जी एक्स एक्स बाई ए एच बार। अब आप बताएंगे एच बार क्या है, ये है सेंट्रोइड इस सरफेस का, इस रेक्टेंगुलर सरफेस का फ्रॉम द फ्री सरफेस। और ये आई जी एक्स एक्स क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बॉडी का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और ए एच बार कितना है आपका, ए एच बार क्या है आपका, ए एच बार क्या है, ए तो आपको एरिया है इसका, किसका, जो भी आपने सरफेस लिया है। और एच बार क्या है, सेंट्रोइड, मैंने बार बार बता दिया सेंट्रोइड है। अब ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर, ये मैं प्रूफ नहीं करूंगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, ये बात आपको ध्यान देनी, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब जब आपको इंक्लाइन सर्फेस के लिए निकल गया, अगर मैं आपको बताऊं कि इसके लिए बताओ, प्लेन सर्फेस के लिए बताओ क्या, हॉरिजेंटल सर्फेस के लिए बताओ थीटा इक्वल क्या, 0 डिग्री। अब मैं आपको ये थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हमारे पास तीन सर्फेस है, जैसे प्लेन सर्फेस है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल और इंक्लाइन, उसके लिए कैसे आएगा, ये आपको ध्यान देना। एच सी पी इक्वल एच बार प्लस आई जी एक्स एक्स बाई ए एच बार साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अब इसका तो कोई काम नहीं है, यहीं पे बताता हूं मैं आपको, कौन सा पहले हॉरिजेंटल सरफेस ले लेते हैं, हॉरिजेंटल सरफेस, इसको पूरा ही मैं मिटा देता हूं। अगर आपने ये नहीं लिखा तो लिख लीजिएगा, ये अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, आगे क्या क्या चीज आने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे मैंने ले लिया है टाइप्स ऑफ सरफेस, पहला लिया टाइप्स ऑफ सरफेस, टाइप्स ऑफ सरफेस, या सरफेस कैसा है, इंक्लाइंड है कैसा है, सरफेस लिख देता हूँ यहाँ पे सरफेस, ओके। अब यहाँ पे लिख लिया मैंने क्या, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, और इसके बाद लिखा मैंने सेंटर ऑफ प्रेशर, ये ध्यान रखना सेंटर ऑफ प्रेशर सीपी से रिप्रेजेंट करेगा मैंने, अगर एचसीपी लिख लेता हूँ मैं आपको एचसीपी, ओके। तो ये बात आपको ध्यान देनी है, सबसे पहले ले लेता हूँ मैं कौन सा सरफेस, सबसे पहले लेता हूँ मैं आपके सामने हॉरिजेंटल सरफेस, हॉरिजेंटल सरफेस है, ठीक है। हॉरिजेंटल अगर सरफेस है, अगर हॉरिजेंटल सरफेस है उस केस में जो हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक फोर्स होता है, हमेशा एक बात ध्यान देना, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स का रो जी ए एच बार, एच मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, सॉरी सेंट्रोइड है कहां से, फ्री सरफेस, सेंट्रोइड है कहां से, फ्री सरफेस, मतलब हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ये आएगा। अगर सीपी की बात करूं, एच सीपी की बात करूं, तो आप बताएंगे अभी तक आपने बताया था कि एच सीपी का फॉर्मूला आपने कुछ ऐसा ऐसा बताया था, एच बार प्लस आई जी एक्स एक्स बाई ए एच बार साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल बताया था मैंने। अब आप खुद बताओ हॉरिजेंटल सरफेस थीटा इक्वल टू कितना आएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री पुट करो तो आप बताओ जरा कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इस केस में हमेशा ध्यान रखना एच सी पी इक्वल टू था सेंट्रोइड के बराबर था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किस केस में हमारे पास सेंटर ऑफ प्रेशर सेंट्रोइड के बराबर होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि उस केस में होता है जब हमारे पास थीटा इक्वल 0 हो, यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस हो, ठीक है। उस केस में क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता, सेंट्रोइड हमारे पास सेंटर ऑफ प्रेशर के बराबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक दूसरा केस है,
आप खुद बताइएगा, अगर इमर्जेंट डेप्थ है, अगर हमारे पास इमर्जेंट डेप्थ, अगर सब सरफेस क्या होता बहुत ज्यादा डेप्थ पे है, इमर्जेंट डेप्थ हाई है, उस केस में भी जो हमारे पास सेंटर ऑफ प्रेशर है और सेंट्रोइड है वो एक दूसरे के क्या होता है, क्लोज आ जाते हैं, मतलब नजदीक आ जाते हैं। इसका मतलब आप बताएं कैसे, उस केस में अगर डेप्थ ऑफ इमर्जेंट ज्यादा होगी उस केस में, तो आप बता सकते हैं कि एच बार की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। जब एच बार की वैल्यू ज्यादा होगी, ये वैल्यू ज्यादा ज्यादा होगी, आपको पता है डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये वैल्यू अप्रोक्स क्या हो जाएगी, बहुत कम होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। एक टाइम ये आएगा कि जो हमारे पास एच सी पी किसके बराबर होगा, एच बार के बराबर, मतलब किसके बराबर होगा, एच बार के बराबर। एच बार मतलब क्या बोला मैंने, सेंट्रोइड के बराबर हो जाएगा, क्या, सेंटर ऑफ प्रेशर। किस केस में, किस केस में, जबकि हमारे पास इमर्जेंट डेप्थ ज्यादा हो। दो केस है, एक तो आ गया कि अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सर्फेस होगा, दूसरा केस ये आ गया अगर इमर्जेंट डेप्थ ज्यादा होगी तो उस केस में जो हमारे पास सेंटर ऑफ प्रेशर हो सेंट्रोइड के बराबर हो जाएगा, उसके बराबर नहीं, मतलब एक सेंटर ऑफ प्रेशर का जो पॉइंट है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रोइड है वो एक दूसरे के क्या होगी, नजदीक आ जाएंगे, और इस केस में एकदम से क्या होगा, एक ही पॉइंट पे हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात है, हमेशा एक बात ध्यान रखना, सेंटर ऑफ प्रेशर एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पे कि हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक फोर्स एग्जर्टेड होता है, मतलब जिस पे कि हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, और जो सेंटर ऑफ प्रेशर है कभी भी स्पेसिफिक वेट पे डिपेंड नहीं करता, रोजी पे डिपेंड नहीं करता, मतलब कोई भी फ्लूड होगा ना तो एचपी कभी भी उस पर डिपेंड नहीं करता। अगर एक ऑयल ले लिया आपने और दूसरा ले लिया वाटर हो गया, तो सेंटर प्रेशर इसका मतलब डेंसिटी अलग होगी, इसका मतलब ये थोड़ी कि अलग हो जाएगा, कहीं भी आपको दिख रहा है डेंसिटी का कंपोनेंट, आप बताएंगे इस फॉर्मूले में कहीं भी डेंसिटी का आपको कंपोनेंट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब जो हमारे पास सेंटर ऑफ प्रेशर है वो कभी भी स्पेसिफिक वेट पे डिपेंड नहीं करता, इट डजेंट डिपेंड ऑन स्पेसिफिक वेट, ये बात आपको ध्यान देना है। तो इतना आ गया ये। अब इसके बाद करते हैं हम, अगर वर्टिकल सरफेस हो गया, वर्टिकल वर्टिकल सरफेस, ठीक है, अगर वर्टिकल सरफेस होगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, आप खुद पुट करो, जब अगर थीटा इक्वल 90 डिग्री होगा तो आप ये तो सेम रहेगा रो जी ए एच बार, ये तो सेम रहेगा रो जी ए एच बार। अब लेकिन इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, इस केस में एच सी पी होगा, सेंटर प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, एच बार प्लस आई जी एक्स एक्स बाई ए एच बार, ये हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान देना है, ये हो गया। ठीक है, इंक्लाइंड के केस में तो मैंने आपके साथ डिस्कस ही किया था, अगर इंक्लाइंड सरफेस हो तो, इंक्लाइंड तो मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस, इंक्लाइंड सरफेस, अगर इंक्लाइंड सरफेस होगा तो उस केस में क्या होगा, रो जी ए एच बार, उस केस में एच बार थोड़ा चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना ये बात। तो एच सी पी सेंटर ऑफ प्रेशर इक्वल टू कितना होगा, एच बार प्लस द आई जी एक्स एक्स बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ए एच बार साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बात आपको ध्यान, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपसे डिस्कस किया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आगे देखते हैं आप दो तीन चीजें, अब हम इसको निकालते कैसे हैं, अगर हमें सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना हो, अगर ये तो गया प्लेन सरफेस के केस में, ठीक है, अब दूसरे इसको थोड़ा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे माना कि कोई ये आपके पास, ये आपका क्या है, फ्री सरफेस है, और यहां पे आपका क्या दिया है, कोई हमारे पास रेक्टेंगुलर सरफेस दिया, अगर माना कि एक्स वन डिस्टेंस पे है, ठीक है, अब ये टोटल हमारे पास क्या है, ये डी है और ये सॉरी ये बी है, बी ले लो चाहे डी ले लो कोई दिक्कत नहीं, ये एक्स है, अगर इस तरह से इस तरह से सरफेस है, ये एल है, तो अगर मैं बताऊं कि इस केस में एच बार बताओ तो कितना होगा, आप बताइए एच बार कहां से होगा, एच बार यहां से होगा, तो एच बार क्या होगा, एच बार इक्वल टू एक्स वन प्लस डी बाई टू हो जाएगा। ये बात ये मैंने इसलिए बताया आपको, इसमें गलतियां कर देते हैं अक्सर स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या होगा, अगर हम पता हाइड्रोस्टेटिक फोर्स निकालना हो, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल थोड़ी होगा, इसका मतलब हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स रो जी ए एच बार होता है ना हमारे पास एच बार, तो इस केस में एच बार क्या रखना है आपने, ये वाला रखना है, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला रखना है यहाँ, और रो तो दिया होगा 1000 1000 होगा अगर वाटर होगा, इंटू जी 9.8, एरिया किसका होगा, इसका एरिया, आया समझ में, ये बात तो आ गया सर ने। अगर इसी केस में अगर ये हमारे पास इस तरह से हो, इस तरह से हो, अभी बिल्कुल सरफेस पे है, इसके सरफेस पे, तो इस केस में क्या, अगर ये डी है, अगर ये हमने मान लिया एल है, ठीक है, इस केस में अगर मैं एच बार की वैल्यू पूछूं, सेंट्रोइड कहां से लेते हैं, फ्री सरफेस से लेते हैं, तो आप बताइए डी बाई टू, ये बात ध्यान देना। तो इस केस में जब आप एफ निकालते हो, रो जी ए एक्स बार निकाल, या सॉरी एच बार लिख रहा हूँ बार बार, तो इस केस में ये वाला होगा, ये बात आपको ध्यान देनी है।
अब जब इंक्लाइंड होगा, इंक्लाइंड के केस में मैंने बताया था आपको, अगर इंक्लाइंड होगा तो क्या करना था, अगर इंक्लाइंड होगा, अगर वर्टिकल होगा तो थीटा 90 डिग्री होगा, तो उस केस में आपको पता है कौन सा रामबाण लगाना है, मैंने आपको बताया था। अगर हमने सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना, सेंटर प्रेशर तो इसके बाद आपको निकल ही जाएगा, आपको पता है। चलो एक का मैं निकाल देता हूँ, अगर कोई हमारे पास दिया है, रेक्टेंगुलर इस तरह से, इसमें मैं सारी चीज निकाल देता हूँ, ठीक है। अगर ये इसकी डेप्थ डी है और ये लेंथ एल है, अब मुझे बताया कि इसमें हाइड्रोस्टेटिक फोर्स निकालो, जरा हाइड्रोस्टेटिक, यहाँ पे वैल्यू नहीं मैं बता रहा, अगर माना कि वैल्यू वो मैं न्यूमेरिकल, जब मैं न्यूमेरिकल कर रहा हूँ उसमें बता दूंगा, अगर मानना फोर्स बताता, फोर्स के लिए तो आप बता दे डायरेक्ट कितना है, एफ इक्वल टू रो जी ए एच बार, एच बार ध्यान रखना इस केस में एच बार क्या आएगा, एच बार आएगा डी बाई टू, क्योंकि ये क्या है फ्री सर्फेस पे, ये फ्री सर्फेस क्या होगा तो डी बाई टू आ गया। अब देखना एच सी पी का मतलब होता है, मतलब सेंटर प्रेशर क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एच बार प्लस आई जी एक्स एक्स बाई कितना आएगा ए एच बार। अब बताओ क्या है, सारी चीज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखो एच बार कितना था आपका अभी तक, एच बार था आप बोलेंगे कितना, एच बार था डी बाई टू, डी बटे दो, ठीक है सॉरी डी बाई टू है ये, डी बाई टू प्लस, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ क्या इसका रेक्टेंगल का ब्लॉक है ये, अब सरफेस मान लो तो क्या होगा बी, अब ध्यान रखना बी डी क्यू आएगा, अब डी है ये डेप्थ ये वाली होगी, ठीक है। अब बी मान लो इसको, चाहे बी मान लो आपकी मर्जी है, इसको बी मान लो, ठीक है ये बी मान लो, तो कितना आएगा बी डी क्यू बाई 12 बट कितना आएगा, ये आएगा आपका कितना एरिया, कितना बी इंटू डी इंटू एच बार कितना आएगा डी बाई टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा डी बाई टू, तो ये आ जाएगा प्लस कितना आएगा, इसको मैं अगर सो बी डी से बी डी कट गया तो डी, मतलब डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कटता तो डी बाई कितना आएगा, आपको पता है कि डी बाई 6 आएगा। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो इस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा आप खुद बताओ जरा, ये 3 4 4 डी बाई 6 यही आएगा ना, 2 डी बाई 3 ये आ गया इस तरह से, 2 डी बाई 3 2 डी बाई 3 कैसे आया, इसका एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है एलसीएम ले 3 से ऊपर 3 4 हो गया इस तरह से 2 डी बाई 3। तो ये बात आपको ध्यान देनी, इसका सेंटर प्रेशर कितना आएगा 2 डी बाई 3 किसका, रेक्टेंगल का, किसका रेक्टेंगल अगर इस तरह से इमर्ज है इसमें वाटर में, ठीक है इस तरह से ये सरफेस अगर इस तरह से इमर्ज, तो 2 डी बाई 3 आप किसी का भी निकाल सकते हैं, चाहे कोई सी शेप क्यों ना, आपको एरिया पता होना चाहिए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर ट्रेंगुलर का पूछता मैं आपसे तो क्या होता, तो आप बताइए ट्रेंगुलर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता, बी एच क्यू बाई 36। ये कहां से आता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बी एच क्यू बाई 36, बी एच क्यू बाई बी डी क्यू बाई 3, ये सारी चीजें मैं बता देता आपको, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है, बस आपने ये देखना है। अब इसके बाद देखते हैं हम क्या कर्व सरफेस के बारे में, कर्व सरफेस लास्ट है हमारे पास, कर्व सरफेस बस इसको समझना है, कर्व सरफेस, कर्व सरफेस, अब देखते कर्व सरफेस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे लोग गलतियां करते, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलतियां करते। कर्व सरफेस जैसे कि नाम से ही पता चला कर्व, जैसे इससे पहले मैं आपको समझाता हूं, माना कि कोई मेरे पास ये है कर्व सरफेस ले लेते हैं, सबसे पहले आप इस तरह से ले लेते हैं कोई भी सरफेस ये, और यहां पे क्या है वाटर फील है, ओके। अब आप खुद बताओ जरा हमारे पास जो प्रेशर फोर्स लगता है वो क्या लगता है नॉर्मल टू द सरफेस, आप बताइए, बिल्कुल लगता है नॉर्मल टू द सरफेस, मानेंगे कोई हमारे पास कर्व था, इसको थोड़ा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है ये ऊपर से मैंने फिक्स बना दिया, ये वास्तव में जो कर्व है वो यहां से यहां तक है। अब क्या होता है आपको पता है कि जो हमारे पास फोर्स लगता है, प्रेशर फोर्स लगता है क्या होता है नॉर्मल टू द सरफेस लगता है, नॉर्मल टू द सरफेस, जब नॉर्मल टू द सरफेस होगा तो आप बताएंगे जब नॉर्मल टू द सरफेस लगता है तो इसके दो, ये दो कंपोनेंट देगा, एक तो देगा हॉरिजॉन्टल, एक देगा वर्टिकल, मैंने पहले बता दिया आपको, मतलब ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकता मैं आपके साथ, उतना बस ये बताऊंगा जो कि जहां पे गलतियां होती है उसको, मतलब ताकि आप गलती ना करें, ये हो गया था आपका हॉरिजॉन्टल, ये हो गया आपका क्या वर्टिकल एफ वी, तो इसमें दो कंपोनेंट आने, अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो एफ आर कितना आएगा इसका, तो आप बताएंगे एफ एच का एफ वी का होल स्क्वायर प्लस एफ आर का एफ एच का होल स्क्वायर, या पहले ये लिख लो कोई दिक्कत नहीं इसमें, एफ वी का होल, तो ये आ गया। अगर टेन थीटा की, टेन अल्फा की बात करूं तो मतलब अगर डायरेक्शन पूछे तो कितना आएगा आपको, टेन थीटा क्या परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर क्या होता है एफ वी बाई एफ एच हो जाएगा इस बेस और थीटा ये, ठीक है इस तरह से आ गया। अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहली बात है इसमें जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, बस ये आपको ध्यान देना है,
अब यहां पे देखना जरा, इसी चीज को मैं फिर से बनाता हूं आपको समझाने के लिए, डिटेल में बताने के लिए, बस आपने समझना है। माना कि आपके सामने ये क्या था, कर्व सरफेस। इस तरह से क्या था, कर्व सरफेस। इसको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया ऊपर, और वास्तव में कर्व यहां से यहां तक है, और यहां पर कितना है लिक्विड, इस तरह से फील है, इस तरह से फील है। ओके, अब इस केस में क्या है, एक बात बताओ, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो हमारे पास जो प्रेशर वेरिएशन है वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेरी करता, अगर डेप्थ बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, वो भी लीनियरली इंक्रीज करेगा। आपने देखा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होता है, प्रेशर हमेशा क्या होता है, सेम। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर क्या होता है, कभी भी चेंज नहीं होता। इसका मतलब आप चाहे, अब इसका मतलब क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर एक ही लिक्विड होगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर विल बी सेम। तो जो वेरिएशन देखेंगे हम क्या देखेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देनी है, पास्कल लॉ भी बताता है कि किसी एक पॉइंट पर हर डायरेक्शन में प्रेशर सेम होता है, अगर लिक्विड सेम है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में कहीं दो पॉइंट ले लो, प्रेशर विल बी सेम। इसका मतलब यह है कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका एरिया लूंगा तो मैं क्या लूंगा, प्रोजेक्टेड एरिया। क्यों, क्योंकि आपको पता हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर क्या हुआ, कॉन्स्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। तो अगर मैं इसका प्रोजेक्टेड एरिया लेता, अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालता माना इसका, तो यहाँ पर क्या, आप खुद बताइएगा, प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में, इसके वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा। जैसे माना कि ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है इसका, सॉरी, इसका क्या दिख रहा है मुझे, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका मुझे यहां से क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है। तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, ये सर्कुलर, ठीक है। अगर मैं इस तरह से देखूं, ये जो मैंने यहां पर कर्व बनाया है, ये वास्तव में इस तरह से ये सिलेंडर के फॉर्म में, सिलेंडर जैसा है। तो अगर मुझे इस तरह से दिखाई, ये इसी तरह से, ये मैंने बड़ा बना दिया ना, ये ऊपर सरफेस है ऊपर, ठीक है, यहां से मैंने इस तरह से इसको बना दिया है। जब मैंने ऐसे बना दिया तो मुझे ऐसे दिखेगा, तो मुझे क्या दिख रहा है, अगर मैं सामने से देखूंगा तो आप बताएंगे लेंथ दिख रही है, तो ये लेंथ दिख रही है, तो प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो गया इसका, रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, ठीक है, रेक्टेंगल की तरह। तो प्रोजेक्टेड एरिया हो गया आपका रेक्टेंगल की तरह, ये हो गया इस तरह से प्रोजेक्टेड एरिया रेक्टेंगल की तरह। अगर माना, मैंने माना है कि अगर इसकी ये इस तरह से, अब ये इसकी मानो तिरकी रेडियस आर थी, ठीक है, ये रेडियस आर थी, अब इसकी हाइट मैंने एच मान ली, माना फ्री सरफेस पर था हमारे पास, ये एच है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देनी, अगर मैं इसका एरिया बताऊं और अंदर जो इसकी लेंथ है, इसकी जो लेंथ होगी अंदर वो क्या एल है, ठीक है, लेंथ एल है या विड्थ मानो कोई दिक्कत नहीं, लेंथ मानो, ठीक ठीक, इसके मतलब कि ये रेडियस हो गया आर, और ये लेंथ कितनी होगी आपको पता है, लेंथ कितनी होगी अंदर, आप बताएंगे ये कैसे बना दिया आपने। इस तरह से थोड़ा मैं बनाने की कोशिश करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ, ये कैसे आएगा इस तरह से, ठीक है, अब इस तरह से आएगा, इस तरह से आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब आप बताएंगे ये तो आर था, ये लेंथ ले लिया मैंने, लेंथ अंदर है, मतलब ये लेंथ अंदर की, और ये दिख रही जैसे ये था, मैंने मार्क किया, ये सामने से मुझे प्रोजेक्टेड एरिया दिखा, ये लेंथ इसकी क्या है, अंदर है, ठीक है, ये लेंथ अंदर है। तो आप बताओ, अगर मैं बताऊं कि हॉरिजॉन्टल, अगर मैं इस केस में बताऊं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कितना है, तो आप बोलेंगे रो जी ए प्रोजेक्टेड इंटू एच बार, एच बार कहां से आएगा, फ्री सरफेस, आप बताएं फ्री सरफेस से कितना आएगा। अगर मैं फ्री सरफेस में देखूं, ये फ्री सरफेस है इसका, थोड़ा सा सही बना देता हूं ताकि आपको और समझ में आ जाए, इसका कोई कारण नहीं। अब ये माना कि इसका फ्री सरफेस था, ठीक है, यहां से फ्री सरफेस से अगर मैं सेंट्रोइड देखूं इसका कितना आएगा, आप बताएंगे कितना आएगा, ये एच तो है ही पहले से, एच प्लस कितना आएगा, एच प्लस वास्तव में एच बार है ना, इसको एच वन ले लेते, तो एच बार अगर मैं बोलूं तो कितना आएगा, आप बताएंगे एच वन जितनी हाइट है प्लस जितनी इसकी, आप बताओ ये प्रोजेक्टेड एरिया क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कितना, आर बाई। तो ये बात आपने ध्यान देना, आर बाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये गलती मत करना। तो ये हो गया रो जी ए प्रोजेक्टेड क्या होगा, ए प्रोजेक्टेड हो जाएगा आपका रो जी ए प्रोजेक्टेड कितना हो गया, आप बताएंगे एल इंटू बी, तो आर इंटू इसकी लेंथ माना कि एल थी, ठीक है, या विड्थ मानो, कुछ भी मानो, क्यों आर इंटू अंदर की जो लेंथ है, इसको मैंने इस तरह से बना दिया, ठीक है, आर इंटू जो इसकी विड्थ होगी, आर क्या है रेडियस के बराबर, यहाँ पे देखो ना प्रोजेक्ट एरिया, और जो हमारे पास अंदर की लेंथ है वो एल, तो आ गया एरिया इंटू एच बार, कितना एच बार आपको हो गया एच वन प्लस आर बाई टू। तो इस तरह से निकालना है, ये बात आपको ध्यान देनी। अगर वर्टिकल कंपोनेंट बताऊं मैं आपको, तो आप खुद बताइएगा जरा, सोचिएगा जरा वर्टिकल कंपोनेंट के केस में क्या आएगा, आप बताएंगे वर्टिकल कंपोनेंट के केस में कुछ नहीं है, इसके ऊपर जितना भी वेट है लिक्विड का, जितना भी वॉल्यूम है उसको कहते हैं, जितना वेट कितना है यहाँ पे, अगर वर्टिकल कंपोनेंट देखो तो आप बोलेंगे वेट के बराबर, वेट को क्या लिख सकते हो एम जी, एम जी को क्या लिख सकते हो रो वी जी, ठीक है, हमारे पास एम क्या होता है रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो इस तरह से मैंने लिख दिया।
तो आप बताओ जो इसकी डेंसिटी होगी डेंसिटी पुट करो, अब वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हमेशा ध्यान रखना कि कर्व सरफेस कौन सा है ये। अब इस पे नॉर्मल जो फोर्स लग रहे होंगे इस तरह से लग रहे होंगे, इस तरह से 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 इस तरह से, मतलब जो भी पूरा लिक्विड लगा रहा है तो यानी कि ऊपर तक का वॉल्यूम लेना है, तो वॉल्यूम क्या होगा आप बताओ, क्या वॉल्यूम क्या होगा इसका एरिया, मैंने से यहाँ सही लिख लिया मैंने एरिया इसका, ठीक है। अब वॉल्यूम देखना इस केस में क्या होगा, एरिया इसका एरिया बताओ सबसे पहले, इस नीचे वाले का एरिया क्या होगा, क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर बाई कितना 4 इंटू अंदर की लेंथ, तो वॉल्यूम आएगा एल, ठीक है। प्लस इसी तरह ऊपर क्या बन रहा है, ये क्यूब बन रहा है या क्यूबॉइड बनो या रेक्टेंगल, दिख तो रेक्टेंगल रहा ना, तो इसका एरिया क्या होगा, तो आप बताएंगे इसका जो एरिया होगा हमारे पास, इसका जो एरिया होगा वो होगा हमारे पास रेडियस तो आएगा यार, रेडियस इंटू एच वन इंटू एल, ये आ गया वॉल्यूम। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट करना, क्या क्या आया था ये लिख लिया मैंने, क्या रो जी भी डायरेक्टली इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, मैंने क्या करे इसका, हाँ रो जी इसको जी से ये हो गया इस तरह से, ठीक है। वॉल्यूम लिख लिया मैंने डायरेक्ट, इसका मान कितना है रो जी वी, यही है वर्टिकल क्या फोर्स, यही है वर्टिकल फोर्स, यहां से लिख देता हूँ मैं। अगर वर्टिकल फोर्स की बात करें तो क्या होता है वेट, वेट और रो वी जी कैसे आता है आपको पता है सब चीज मैंने बता दिया, तो यही मैंने डायरेक्ट कर दिया रो जी, ये वॉल्यूम लिख दिया मैंने, किसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, फिर से बता रहा हूँ ये क्या होता है क्वार्टर सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर बाई फोर एरिया इंटू जितनी अंदर लेंथ है, अब प्लस अब रेक्टेंगल है ये ऊपर से, इसका वॉल्यूम जो लेना है हमने टोटल लेना ऊपर तक का वॉल्यूम लेना है, ये बात आपको ध्यान देना है। तो ऊपर का वॉल्यूम क्या होगा आप बोलेंगे आर इंटू एच वन, आर इंटू एच वन इंटू जितनी अंदर की लेंथ, तो ये बात आपको ध्यान देनी, इस तरह से आपको ध्यान देना है। अब मैं लास्ट एग्जाम्पल देता हूँ आपका इसका, तब इस सेशन को एंड करते हैं, ये तो मुझे लगता है कि आगे होगा समझे, जब भी कर्व सर्विसेज आएगा तो उस केस में हम प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे, ये बात आपको ध्यान देनी है। देखो जरा, अगर मैं माना आपके सामने एक चीज ये रखता किस तरह से, इस तरह से ये और यहां पूरे में क्या है लिक्विड फील है, तो इस केस में क्या होता, अगर इसकी रेडियस में आर मान लू, ये आर है यहां से आ रहा है, ठीक है आर है, ये भी आर है, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं कि हॉरिजॉन्टल फोर्स बताओ इस केस में क्या होता, तो रो जी वी आएगा, रो जी ए प्रोजेक्टेड इंटू एच बार, रो प्रोजेक्टेड इंटू एच बार, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हमेशा ध्यान देना जब भी आप बताएंगे, अभी तो इसके ऊपर नहीं है, अभी अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल क्या होगा इसका प्रोजेक्ट, अगर इधर से देखूंगा मैं तो आप बताएंगे ये भी रेक्टेंगल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। और इसकी मैंने क्या ले ली है, अगर मैंने विड्थ क्या ली, बी ले ली या एल ही ले ली, लेंथ अंदर की जो लेंथ है वो एल ले ली, तो क्या आएगा आप बताएंगे रो जी एरिया क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट एरिया कितना होगा आर आर टू आर हो जाएगा, ठीक है, टू आर इंटू जो अंदर की विड्थ मतलब वो लेंथ है, इसको मैं इस तरह से दिखा देता हूँ आर, ताकि आपको और भी अच्छी तरह समझ में आए, ये क्या थी टू आर थी, ठीक है, और ये अंदर की जो लेंथ थी ये एल है, ये इस तरह से लंबे लंबाई में देखो जरा, ये इस तरह से है, ये इसका आधा भाग है और अंदर की लेंथ क्या है ये मैंने दिखा दी एल है, ठीक है। तो आप बताओ रो जी ए प्रोजेक्ट क्या होगा टू आर इंटू लेंथ, ठीक है, और एच बार क्या होगा, तो आप बताइएगा एच बार तो अभी तो फ्री सर्फेस से कितना डिस्टेंस पे है आर आ गया, तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया रो जी टू आर इंटू एल आर, ठीक है। अब इसी तरह से अगर वर्टिकल कंपोनेंट निकालना, वर्टिकल कंपोनेंट रो जी वी, तो आपको बताओ तो रो कितना इंटू जी इंटू वी क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा आप खुद बताइएगा जरा, इस केस में आप बताएंगे कि अभी तक तो आपने ये बताया था कि अगर ऊपर वेट होगा तो उस केस में होगा, अब क्या करना है आपने एक बात बताओ, इसने वाटर कितना डिस्प्लेस किया है, तो आप बताएंगे जितनी इसकी अपनी वो है वॉल्यूम, जितने इसका अपना वॉल्यूम है, ये मैंने इमेजनरी लिक्विड माना यहाँ पे, इमेजनरी लिक्विड, ठीक है, लिक्विड मान लिया मैंने। अब क्या है अगर इस केस में होगा ना, आप बताएंगे अभी तो ऊपर कुछ वो ही नहीं है, लिक्विड नहीं, अभी तो हॉरिजॉन्टल इस तरह से, तो कोई बात नहीं, अगर ये आप खुद बताएगा अगर इसमें इसका इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया है तो क्यों ऑक्यूपाई किया होगा, इसने इतना लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा जितना इसकी अपनी क्या है ये है वॉल्यूम, जितना इसका अपना वॉल्यूम है, तो कितना इसका अपना वॉल्यूम आप बताएंगे, वॉल्यूम क्या होगा पाई बाई फोर आर स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, आप बताएंगे पाई आर स्क्वायर कैसे आएगा ना, पाई स्क्वायर नहीं पाई बाई टू आएगा, सॉरी कितना आएगा पाई बाई टू, क्योंकि हाफ है ना सर्कल का हाफ है, पाई बाई टू आर स्क्वायर इंटू जितनी अंदर लेंथ है, ये आ गया रो जी वी, इस तरह से आ गया। तो इस तरह से आपको करना है बस, लास्ट देखते जरा, अगर कभी ऐसा आ गया तो जैसे माना कि हमारे पास ये है इस तरह से सर्कुलर सरफेस है ये,
इस तरह से है। अगर यहां भी इस साइड भी लिक्विड है आपका, अब लिक्विड आप बताएंगे लिक्विड सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, वो डिपेंड कर, रो अलग अलग दिया होगा तो आपने अलग अलग लेना है, सेम होगा तो रो आपने सेम लेना है। और इस साइड भी है आपका क्या, लिक्विड है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। अब देखो जरा, सबसे पहली बात है आप खुद बताओ यहाँ पे ज्यादा लिक्विड है, ज्यादा है, तो यहाँ का हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, बिल्कुल होगा ज्यादा, यहाँ का क्या होगा, कम होगा। अब देखते हैं हम कि कितना ज्यादा कितना कम होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या है रेडियस इसकी, माना कि इसकी रेडियस क्या थी, आर है, ये रेडियस क्या है, यहां से यहां तक आर है, आर है, ठीक है। अब देखो, अब जो इधर से, अब जो यहां पे लिक्विड होगा ना, ये यहाँ इस साइड से क्या करेगा, प्रेशर फोर्स लगा रहा होगा इस साइड से, प्रेशर इस तरह से प्रेशर फोर्स लगा रहा होगा, और जो यहाँ का होगा इस साइड से प्रेशर फोर्स लगा रहा होगा। तो इसको मैं कंसिडर करता हूँ, माना कि ये साइड कौन सी है, वन है, ये साइड कितनी है, टू है, ठीक है। तो यहाँ से पता एफ एच वन हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा, आप बोलते हैं रो जी वी, सॉरी रो जी ए प्रोजेक्टेड इंटू एक्स बार, बिल्कुल सही बात है। अगर रो जी इंटू एरिया क्या होगा, प्रोजेक्टेड एरिया, अगर मैं इसको इस तरह से देखूंगा, इस तरह से देखूंगा, यहाँ अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इधर की बात कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है। तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया अगर मैं यहाँ पे बना दू समझाने के लिए, तो आप बताएंगे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, जितना यहाँ पे इसकी मतलब लेंथ है, सॉरी डायमीटर है इसका, कितना अगर 2r हो जाएगा इनटू जितना अंदर इसकी लेंथ होगी, अंदर जितनी लेंथ होगी, अंदर लेंथ क्या है, माना कि दे रखी है अंदर की लेंथ कितनी है, जो ये जैसे माना ये इस तरह से है, इसकी अंदर की लेंथ कितनी है, माना कि उसको दे रखी है लेंथ, दे रखी है एल, ठीक है। तो आप बताएंगे रो जी 2r इंटू एल, ठीक है, रो जी इंटू 2r इंटू एल, 2r इंटू जो अंदर की लेंथ है एल, रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी, है ना, तो 2r इंटू अंदर की लेंथ ये आ गया, इंटू एक्स बार क्या होता है, सॉरी एक्स बार नहीं एच बार, से एस क्या होता है, हमेशा एच बार होगा फ्री सरफेस, फ्री सरफेस से क्या होगा सेंट्रोइड इसका कितना होगा आर, तो ये आ गया हॉरिजॉन्टल फोर्स, किस केस में, इस केस में। और इसी केस में अगर मैं वर्टिकल फोर्स की बात करूं तो क्या आएगा, आपको पता है वर्टिकल फोर्स रो जी वी होता है, बिल्कुल सही बात है, रो जी वी होता है। तो इस केस में रो जी तो ऐसे रहेगा जितनी दी होगी, ये वैल्यू तो रो भी दिया होगा जी भी दिया होगा, पर वॉल्यूम कितना होगा इस केस में, वॉल्यूम आप बताओ खुद कितना हो जाएगा। अब आप बताएंगे कि यार अभी तो लिक्विड फिर से ऊपर नहीं है, मतलब वेट कैसे ले, अब कोई बात नहीं, इसने कितने स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा, जितने उतना ही लिक्विड को डिस्प्लेस किया होगा ना, जितना इसका खुद का वॉल्यूम है, तो इस साइड का वॉल्यूम कितना होगा, आप बताएंगे हाफ, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपको पाई बाई टू आर स्क्वायर, तो एरिया हो जाएगा आर स्क्वायर कितना आएगा, पाई बाई टू आर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, एरिया हो गया इंटू इंटू हाफ है ना, क्यों किया मैंने पाई बाई टू, पाई आर स्क्वायर लिखता मैं, क्योंकि हाफ है सर्कल का क्या होगा हाफ है, ठीक है। तो ये आएगा पाई बाई टू आर स्क्वायर इंटू जितनी अंदर लेंथ है, ये हो गया इसका, इस केस में इसका हो गया क्या वॉल्यूम इतना, ये बात आपको ध्यान में, ये आ गया इस केस में, बस इतना ही है आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, आपको पता है पाई बाई पाई आर स्क्वायर बाई टू हो गया इंटू जितनी अंदर लेंथ है, ये आ गया इतना। अब इसी केस में अगर मैं दूसरे केस इस साइड की बात करूँ, ये तो इस साइड की बात थी, ये इधर की बात, अगर इस साइड की बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ टू कितना आएगा, तो आप बताएंगे कुछ नहीं है रो जी ए प्रोजेक्टेड एच बार, ठीक है, ए प्रोजेक्टेड कितना होगा इधर से देखो जरा, तो आप बताएंगे ये तो रेक्टेंगुलर दिखेगा और इसकी जो वो है लेंथ कितनी एल है, और अंदर सॉरी इसकी जो ये वाली हाइट कितनी आएगी आर है, और जो लेंथ होगी अंदर की उसकी भी तो अंदर की लेंथ सेम होगी ना, लेंथ तो सेम होगी, तो आप बताओ कितना आएगा रो जी इंटू ए प्रोजेक्टेड कितना आएगा, आप बताएंगे आर इंटू एल इंटू एच बार कितना होगा, एच बार बताओ आप, अब एच बार इसका लेंगे ना, एच बार कितना सरफेस से इसका एच बार क्या होगा हाफ हो जाएगा इसका भी, जैसे मैंने यहाँ पे किया था एच बार मैंने इधर भी निकाला हुआ, इसका एच बार मैंने कितना निकाला, ये भी हाफ होगा रेक्टेंगल का हाफ, टू आर का हाफ टू आर, और यहाँ पे क्या होगा आर का हाफ आर बाई दो आर बटे दो, ये बात आपको ध्यान देनी है आर बाई टू होगा। अब इसके लिए क्या होगा वर्टिकल कॉम्पोनेंट क्या होगा इसके, इसमें रो जी इंटू वी वॉल्यूम कितना होगा, आप बताएंगे वॉल्यूम कुछ नहीं है इसका, क्या क्वार्टर सर्कल है, तो पाई बाई फोर आर स्क्वायर, पाई बाई फोर आर स्क्वायर इंटू 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 कितना होगा जितनी लेंथ इधर है, तो इस तरह से आ गया, तो ये आ गया आपका एफ वी वन एंड एफ वी, सारी चीज मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। तो अब देखते हैं आप खुद बताइएगा, ये लग रहा है इधर, ये लग रहा है इधर, तो नेट क्या आएगा, तो अगर नेट हॉरिजेंटल पूछे तो आप बताएंगे एफ एच वन माइनस एफ एच टू, तो क्या होगा क्योंकि नेट ये आपको पता है ये ज्यादा होगा, ठीक है, तो ये हो गया एफ एच वन माइनस एफ एच टू, एफ एच वन माइनस एफ एच टू। और वर्टिकल डायरेक्शन में देखो जरा, वर्टिकल डायरेक्शन में जो जितने भी फोर्स है, जितने भी फोर्स है वो क्या हो जाएगा इसी डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो इसके इसमें एफ नेट कितना होगा, एफ वर्टिकल कितना हो जाएगा, एफ वर्टिकल होता है एफ वी वन प्लस एफ वी टू, ये बात आपको ध्यान देनी। तो ये सारी चीज मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है इस
सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। हाँ, अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के लेक्चर आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।